खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है कश्मीर तेरी, पंजाब जैसा रतन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है ईमान तेरा, कोई बेचता है शमशान तेरा, और किसी ने किसी का कफन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। इस भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, इस भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। राष्ट्र की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, हिंदुत्व की बातें, समाज की बातें अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं कथाओं में राष्ट्र का क्या, राष्ट्र की बात का क्या मतलब? तो मैं कहती हूँ फिर जब राष्ट्र की बात का मतलब नहीं है, तुम राष्ट्र की बात नहीं सुन सकते, भारत माँ की जय नहीं सुन सकते, तो फिर राष्ट्र में तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा राष्ट्र में क्या मतलब? हम हिंदुस्तान में रहकर के हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे? हम भारत माता के आंचल में पलते हो तो मां भारती की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी जय बोलेंगे? लेकिन सच बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। क्योंकि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना, और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहूदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते। जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हैं उस देश को खंड खंड कर दिया जाए, तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और तुम देखकर तमाशबीन होकर तमाशा देखते रहो। कोई कह दे हम तिरंगा फाड़ दे, कोई तिरंगे का अपमान करता है, भगवे का अपमान करता है, भारत माता को डायन कहता है और हम चुपचाप तमाशा देखते हैं। कोई हिंदुत्व को गाली देता है, कोई राम को बदनाम करता है, कोई कृष्ण को बदनाम करता है, और तुम ऐसे तमाशबीन हुए कि सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, बहुत चिंतन करके मैं कहती हूँ कि अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, और न आकर बसते विदेशी यहाँ, और फिर हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। ये तो त्यागियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों का, राम कृष्ण गौतम पाणिनि पतंजलि सीता सावित्री अनुसुईया का देश है। यहाँ पर ये भगत सिंह का देश है, ये लक्ष्मीबाई का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये तो वीरों का देश है, ये तो तपस्वियों का और त्यागियों का देश है। यहाँ लुटेरे कहाँ से आ गए? ये लुटेरों का देश नहीं, ये बलात्कारियों का देश नहीं, ये तो ब्रह्मचारियों का देश है। इसलिए अभी भी जाग जाना समय